मशरूम की खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गर्मी के मौसम में मशरूम उत्पादन हो सकता है। हालांकि मशरूम उत्पादन के लिए ठंडी वाली जगह की जरूरत पड़ती है, लेकिन गर्मी के मौसम में एक खास प्रकार की मशरूम की खेती कर सकते हैं। मेरा नाम सुषमा देवी हुआ, घर पहाड़ी मोहल्ला गार्डन में रहने वाली हूँ। और मशरूम फार्मर जो शुरू से ही मेरा जो है सो शौक था, क्योंकि मशरूम फार्मिंग करते आ रहे हैं। और मेरे यहाँ अधिकतर जो है सेवेस्टर मशरूम का ही जो है से खेती होता है, या फिर बीज भी हम तैयार करते हैं तो वेस्टर मशरूम का करते हैं। लेकिन इस बार गर्मी में काफी फार्मर लोग का मांग है कि हमको मिल्की मशरूम का तैयारी किया जाए, क्योंकि वेस्टर्न मशरूम जो है से सितंबर से लेकर मार्च तक होता है। बाकी समय में बैठना अच्छा बात नहीं है, घर में कुछ न कुछ रोजगार होते रहना चाहिए। तो इस बार जो है से विशेष तौर पर फार्मरों के रिक्वेस्ट पर हम मिल्की मशरूम का तैयारी किए हैं, जो कि 15 मई से बीज मिलना शुरू हो जाएगा। और उसका करने का तरीका कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, जैसे वेस्टर्न मशरूम का तैयारी की जाती है, भूसा तैयार करने, बैग बांधने का सेम प्रोसेसिंग वैसा ही रहेगा, सिर्फ इसका बीज अलग होता है। और जब बैग तैयार हो जाता है तो 25 से 30 दिन के बाद इसमें एक केसिंग किया जाता है, जो कि घर पर ही उसका एक छोटा सा फार्मूला है केसिंग खाद तैयार करने का। 24 घंटा लगता है तैयार करने में, चाहे तो वो कोकोपीट से कर सकते हैं या फिर घर में ही मिट्टी उट्टी वगैरह का केसिंग खाद तैयार करके अपना जो है से बैग तैयार रहता है, उस पर केसिंग करना रहता है। और 2 से 3 बार दिन में पानी पटाइए, इसके बाद आपका 45 से 46 दिन के बाद मिल्की मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। तो जो भी फार्मर भाई लोग इस बात से अनजान होंगे कि अब वेस्टर्न मशरूम का सीजन खत्म हो गया तो हम क्या करें, तो उन लोगों के लिए जानकारी दे दें कि हमारे यहाँ वेस्टर्न मशरूम का ट्रेनिंग और बीज दोनों की तैयारी शुरू हो गया है। जो भी भाई बहन अगर मिल्की मशरूम करना चाहते हैं वो विशेष हमसे संपर्क कर सकते हैं, घर पर आकर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और बीज भी ले सकते हैं। समय टू समय जो भी जानकारी उन लोग को चाहिए वो जानकारी देने के लिए हम तैयार के लिए कम से कम अगर 20 बाय 20 का कमरा है तो उसमें 150 से 200 बैग लगेगा। लेकिन यह ज़्यादा हैंगर पर जो है से नहीं जाता है, ज़्यादातर इसका बैग जमीन में रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मी का दिन है और ऊपर में हवा का दौर ज़्यादा रहता है इसलिए सूखता है। तो इसलिए बैग इसमें से समय के साथ साथ जगह भी थोड़ा ज्यादा लेता है। तो एक कमरा में अगर मान ली 100 बैग अगर लगाते हैं कोई कृषक भाई बहन लोग, तो उससे उनको जो है से एक बैग से जो है से 1.5 केजी के आसपास मशरूम उत्पादन होता है, यानी 1.5 क्विंटल मशरूम उनको 100 बैग से तैयार हो जाता है। लेकिन उसके लिए विशेष देख रेख करना होगा कि पानी के छिड़काव समय टू समय दिन में 3 बार 4 बार जैसा उनके यहाँ तापमान रहा उसके अनुसार से पानी के छिड़काव। 100 बैग का तैयारी करने में मैक्सिमम हमको 2,000 लगभग खर्चा पड़ता है। और मुनाफा कितना हो जाएगा मुनाफा एक क्विंटल वही देर के एक हिसाब क्विंटल मशरूम उत्पादन हो रहा है, तो वो जिस हिसाब से अपना मार्केटिंग करे उस हिसाब से उनका मुनाफा से? मिल क्या रेट से जाएगा। मार्केट में है? मार्केट वही 150 से 200 रुपये केजी मशरूम का चल रहा है। क्या खास है मिल्की मशीन मिल्की में? मशरूम में खास यह है कि यह थोड़ा कम खराब होता है और गर्मी के दिन में भी जो है से इसको आसानी से घर पर उत्पादन किया जा सकता है। बीज वही वेस्टर्न मशरूम का ही रेट है, मैक्सिमम 120 रुपये पर केजी मशरूम का बीज हो गया। और भूसा भी जो है सो सही, जो अगर चाहे तो लोग धान वाला ले सकते हैं, अन्यथा अभी भूसा जो है से गेहूं वाला उपलब्ध है हर जगह पर, तो गेहूं वाला भूसा लेंगे तो उसके विशेष अच्छा रहेगा, वह ठंडा होता है और मशरूम का उत्पादन उस पर बहुत अच्छा होता है।